जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक शानदार जीवन होने के 5 सूत्र। ये सूत्र मैं बताने वाला हूँ, इसमें जरूरी नहीं कि आप किसी ओहदे पर किसी मुकाम पर हो, आप एक सामान्य व्यक्तियों के लिए जो चीजें हैं उन चीजों को बताए कि एक सामान्य व्यक्ति इन 5 सूत्रों को अपनाने के बाद एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है या उसके जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने की उसके अंदर जो एक चाह है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, वो इन 5 मंत्रों को जानने के बाद डेफिनेटली दोस्तों वो कर सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखें, एक एक बात को बहुत बारीकी से समझें। सिर्फ 3 मिनट का वीडियो है, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आखिरी में जरूर लिख के जाएं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर ऊपर चल रहे हैं, सीधे मुझे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले और बात कर सकते हैं, एक सकारात्मक चर्चा हम कर सकते हैं। तो बात सबसे पहली है कि पहला सूत्र जो है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आपका कि जैसा व्यक्ति वैसे विचार। आप 100 लोगों से मिलते होंगे, 100 विचार अलग अलग होंगे, उन विचारों को केवल सुनना है। जो व्यक्ति हर तरह की बात कह रहा है, आपके दोस्त या कोई भी व्यक्ति अलग अलग बातें कहता है, हमें उसमें से केवल और केवल सकारात्मक चीज लेनी है, क्योंकि जैसा व्यक्ति वैसा विचार और जैसा विचार वैसी उसकी प्रवृत्ति और वैसे उसके अनुभव हो जाते हैं। इसलिए जितना अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक, क्योंकि नेगेटिव तो पूरी दुनिया में हर चीज है, नकारात्मकता तो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं लेकिन सकारात्मकता को ढूंढना बहुत कठिन है। तो पहला मंत्र याद रखना, सकारात्मकता को कैसे ढूंढे, अच्छे विचारों को श्रवण करें और अच्छे विचारों को ऑब्जर्व करें, उन्हें अपने साथ अपनाएं। दूसरा मंत्र है कि सकारात्मकता से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं, इसी में एड ये कर ले, इस सकारात्मक, हमें खुद को सकारात्मक रखना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो उस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। तीसरा जो मंत्र है, सुंदर सोच परमेश्वर की सच्ची पूजा। भाई आपकी अगर अच्छी सोच है, सुंदर सोच है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं तो ये ईश्वर की सच्ची पूजा होगी। तो ये बहुत बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों। अपना मिजाज हमेशा ठंडा रखें। बहुत से लोगों को जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत से लोगों को जल्दी चीजें समझ नहीं आती, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपने मिजाज को जितना हो सके उतना ठंडा रखें। जितना ठंडा रहेगा उतना बहुत अच्छा रहेगा। घर में बड़प्पन रखें, लोगों को आप लोगों के प्रति संवेदनाएं तो रखते ही, तो बड़प्पन रखें, ठीक है ले लिया तो ले लिया, तो बड़प्पन रखें, ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये 5 मंत्रों को अगर आप फॉलो करेंगे आपका जीवन हमेशा शानदार रहेंगे, सकारात्मक रहे, भगवान का नाम ले, अच्छा लगा, लाइक करें।